Hare Krishna.
श्रद्धा महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, जगदीश भगवान की जय, श्रीपाद शांति महाराज की जय, अनंत कोटि विष्णु वृंद की जय, भागवत गौर भक्त वृंद की जय, जय जय श्री ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तुतये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कल श्रीमद् भागवत कथा में हम लोगों ने श्री कृष्ण के जन्म रहस्य को श्रवण किया। बहुत सारी माताएं कृष्ण प्रकट हुई। भागवत जी में वर्णन आया कि तस्मद अद्भुत बालकम। एक बालक जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में कपड़े नहीं होते, लेकिन यहां तो भगवान 16 वर्ष के खड़े हो गए और मुकुट और कुंडल और माला सब और चार भुजाधारी, इसलिए ये जन्म नहीं ये प्राकट्य है। और वहीं पर गोकुल में यशोदा जी ने कृष्ण को जन्म दिया और वो दोनों बालक एक हो गए। कृष्ण के पिता नंद महाराज जी को पता लगा और उन्होंने नंद उत्सव, बड़ा प्रसिद्ध है सुना ना, नंद उत्सव की घोषणा की, जिसमें गोकुल के निकट एक गांव है रावल, जो राधा जी का जन्म स्थान है। बरसाना नहीं, रावल, गोकुल और रावल पास पास में है और नंदगांव और बरसाना पास पास में है। श्री नंद जी गोकुल में रहते, लेकिन एक के बाद इतने सारे असुर आने लगे तो विचार किया ये स्थान ठीक नहीं है, स्थान में कुछ है, तो हम लोग चलो सब नंदगांव चले। तो गोकुल से नंदगांव में चले गए और उधर, अच्छा राधा जी के पिताजी का नाम क्या है बताऊंगा, हाँ ब्रज वाले बताएंगे, विश्वभानु जी रावल से बरसाना चले गए। तब फिर नंदगांव और बरसाना में रहने लगे, लेकिन जन्म और जो माखन चोरी ये सब लीला गोकुल में ही हुई। अब नंद उत्सव मनाया गया, सारे गोप आए, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, यशोदा मैया की सखियां आकर उनको बधाइयां दे रही हैं। कैसे बधाई दे रहे हैं, बोलते हैं सोने की कलसी में चांदी की जिसकी डोरी है और हीरे मोती से जड़ित है, उसके अंदर दूध दही घी माखन ये लाकर यशोदा मैया को दे रही है। वहां पर सोने का हीरे मोती का मूल्य नहीं, वहां पर जो मूल्य है वह दही दूध घी का है, यही ब्रज की संपत्ति है। वृंदावन की भूमि के संबंध में कहा, चिंता मणि प्रकृ सदमशु कल्प वृक्षा लक्षा वृतेश सुरभीर विपाल यंतम लक्ष्मी सहत सत्रसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं, वृंदावन की भूमि चिंता मनियों से भरी पड़ी है। चिंता मणि समझते हैं, एक ऐसी मणि कि लोहे को छू दे तो सोना बन जाए, एक भी रखी हो ना कृष्णनगर में बस सब कुछ सोना, गाड़ी भी सोने की,
नहीं, लोहा सोना बनता है। तो इसलिए ऐसी मनिया ब्रज में पड़ी हुई हैं, कोई उसका आदर नहीं करता, बल्कि उसको उठाकर कृष्ण की नजर उतार कर उसको फेंक दिया जाता है। कोई उसको मूल्य नहीं समझता, क्योंकि वहां पर मूल्य किसका है? वो तो एकमात्र कन्हैया का मूल्य है, वही प्रेम ही सबसे ऊंचा है। और वहां के वृक्ष कैसे हैं? वो तो कल्पतरु वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठकर कुछ मांग लिया जाए तो सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, है ना। यहां पर अगर एक वृक्ष लगा दो और सब लाइन लेके आधार कार्ड लेकर आ जाओ कि एक बार नीचे बैठकर कुछ मांग लो, तो देख लो हम क्या क्या मांग लेंगे, है ना। जिस वस्तु का अभाव है वो मांग लेंगे ना। तो देखो एक बार की बात, जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था, भूख लगी, विचार करने लगा, अरे इस जंगल में अब कहाँ खाने को मिलेगा, अच्छा अच्छा कुछ भोजन मिल जाए, कोई पनीर वनीर की सब्जी हो, परौठा हो, कोई डोसा सांभर कुछ मिल जाए तो क्या हो, तृप्ति हो जाए। इतने में सामने प्लेट आ गई, अरे ये काम कौन दे गया, स्वाद लिया, आहा क्या आनंद है। वो थे अब तो आलस से आ गया खाने के बाद, जमीन पर कौन सोए, कोई पलंग बिस्तरा कुछ हो तो पलंग बिस्तरा भी आ गया, ये कैसे हो रहा है। बोलते उस वृक्ष के नीचे जो मांग लिया जाए पूरा हो जाता है। अब पता लगा जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूं वो कल्पतरु वृक्ष है, इच्छा पूरी करने वाला। तो आलस्य के कारण जब सोने लगा तो विचार किया, ये तो जंगल है, यहाँ शेर आ गया तो अब जो बोलेगा सारी इच्छा पूरी होगी ना। तो सामने शेर आ गया और ये तो डर गया, बोलते ये शेर अगर मेरे को खा गया तो क्या हुआ, खा गया। ऐसे ही हम यदि कुछ मांग लें, हमको ये नहीं पता होता कि ये जो हम मांग रहे हैं इससे हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, बस हमको चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी की कथा में सुना, पुत्र नहीं है, हाय पुत्र चाहिए, हाय पुत्र चाहिए, नहीं तो आत्महत्या करने चला गया। लेकिन जब पुत्र हुआ तो नहीं होता तो अच्छा था, चोरी करता है, मारता है लोगों को, समाज में नाम खराब कर दिया मेरा, और पहले उसी के लिए तड़प रहा था। एक बात अच्छे से समझ लें, जो भाग्य में है ना वो मिलकर ही रहेगा, कोई शक्ति देवता भी उसको रोक नहीं सकते हैं। देवता कर्म अधीन है, कर्म अधीन समझते हैं, कर्मों के अधीन है। यदि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं और प्रारब्ध के कारण हमको प्राप्त बहुत कुछ प्राप्त होगा तो वो बैठे बैठे भी प्राप्त हो जाएगा, और यदि नहीं है तो कितना प्रयास कर लो नहीं मिलेगा। यदि हमारे कर्म ही खोटे हैं तो फिर तो कितने भी ताबीज पहन लो और वो मूंगा नीलम पहन लो, कुछ नहीं होने वाला। भय किससे होना चाहिए? अपने कार्यों से, कर्मों से, बस, और किसी वस्तु से भय नहीं। और जब हो गया सो हो गया, अब क्या करें, अब रोते रहे? नहीं। दो प्रकार से हम अपने अभाव को देख सकते हैं, हंसकर या रोकर। यदि रोने से दुख कम हो जाता है तो दिन में 10 बार रो सकते हैं हम, 10-15 बार रो लें दुख कम होगा। इसलिए जिस स्थिति में जाके देखी राखे राम ताहे विनी रही, जिस स्थिति में भगवान ने रखा हंसते हंसते सहन करते निकल जाओ,
रोने से कुछ होने वाला नहीं, अगर रोने से हो जाता तो 10-15 बार हम और रो लेते, कुछ होगा नहीं। ब्रजवासी उस वृक्ष के नीचे बैठकर क्या मांगते हैं? कन्हैया की आयु लंबी हो जाए, हमारा कन्हैया स्वस्थ रहे, जो भी कुछ इच्छा करते हैं कन्हैया के लिए करते हैं। क्यों? जहां पर प्रेम है ना, सारी इच्छाओं की धारा वहीं पर ही बहने लग जाती है। ये प्रेम एक ढाई अक्षर प्रेम का है, लेकिन इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली, भगवान को खींच कर ले आए। गुरु जी से मंत्र प्राप्त होते हैं। मंत्र का मतलब क्या? मन त्रायती मंत्र, मन को जो त्राण करे, मन को जो कंट्रोल करे, वो होता है मंत्र। ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि यदि सांप ने डस लिया तो मंत्र पढ़ा जाए, वही का वही सांप आकर जहां डसा है, काटा है, वहीं से विष निकाल कर ले जाएगा। सांप को वशीभूत करने वाला मंत्र। एक आपको मथुरा की घटना बतलाता हूं। जन्माष्टमी के पर्व पर हमारा जो मंदिर है मथुरा में होली गेट के पास, वहां पर जुलूस निकलता है, बहुत लंबा चौड़ा जुलूस। 10-12 साल पुरानी बात है, मैं चल रहा था, वो झांकियां होती है ना, बच्चों को राधा कृष्ण बनाया जाता है, एक टेम्पू 407 वो जो टेम्पू होता है उसमें एक झांकी बनी हुई और घास बिछी हुई, वहां पर कबूतर तोता ये पक्षी बैठे और मैं खेल उनके साथ खेल खेल में ऐसे 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 कर रहा हूं कि उड़ जाएं, उड़ते नहीं, बैठे के बैठे हैं। तो मैं देखा इनको कहीं बांध दिया है क्या किसी धागे से, देखा बांधा भी नहीं और नकली भी नहीं है, आंख हिला रहे हैं। तो जो साथ में चल रहा था उनका मालिक जो, उससे पूछा ये पक्षी उड़ते क्यों नहीं, बोलते महाराज हमने मंत्रों से इसको बांध दिया है। मैंने कहा फिर क्या करोगे? बस जलू समाप्त होगा, दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, उड़ जाएगा। फिर जब चाहिए होता है हमको ऐसा मंत्र पढ़ेंगे, ये उड़ते उड़ते नीचे आ जाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं मानता, मेरे को दिखाना। जुलूस समाप्त हुआ, मैं उसके साथ ही खड़ा, मैंने कहा अब करो तो, आंख बंद करके कुछ सेकंडों का एक मंत्र पढ़ा, पक्षी उड़कर चले गए जो इतनी देर से उड़ ही नहीं पा रहे थे। ऐसा मंत्र जो पक्षी को भी वशीभूत कर ले, ऐसे मंत्र जो भूत प्रेत को वशीभूत कर ले, तो विचार करो महामंत्र कैसा जो भगवान को वशीभूत कर ले। द्रौपदी गोविंद कह रही है और गोविंद को ही वशीभूत कर रही है। भगवान पांडवों के इतने अधीन हो रहे हैं, सारे जगत का मालिक, अपने दास को पीछे बिठाकर और स्वयं घोड़ों के लगाम को हाथ में लेकर चल रहा है, सारे जगत का मालिक। अर्जुन के नहीं, अर्जुन के घोड़ों के पैर दबाते हैं भगवान। जब संध्या के समय युद्ध समाप्त हो जाए तो अर्जुन के जो घोड़े हैं उनके चरण दबाते हैं भगवान। रात को पांडव जब सोते हैं तो शिविर के बाहर कृष्ण वीर आसन पर बैठकर, वज्र आसन जो होता है, वज्र आसन पर बैठकर सारी रात रखवाली करते हैं पांडवों की, अपने अर्जुन की। क्यों? प्रेम है ना, प्रेम के कारण। बोलते इसलिए जगत में सबसे ऊंचा यदि कुछ है तो वो प्रेम है। पैसा ऊंची चीज नहीं है, वैभव ऐश्वर्य ऊंची चीज नहीं है। पैसा आया गया, लेकिन प्रेम एक बार समाप्त हुआ तो सारे जीवन के लिए समाप्त। महत्व प्रेम को देना चाहिए और किसी वस्तु को नहीं, रूप को भी नहीं। कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर है, रूपवान है,
कितनी देर रूप रहेगा? जब आयु ढलेगी तो सारा रूप समाप्त हो जाता है, फीका पड़ जाता है। उस रूप का महत्व नहीं है, स्वरूप का महत्व है। स्वरूप मतलब उसका स्वभाव, उसमें प्रेम कितना है, उसका मूल्य है, उसका महत्व है। लेकिन भगवान कैसे, रूप भी सुंदर और स्वरूप भी सुंदर। रूप कैसा है भगवान का, भागवत जी में बताया, वरहा पीडम नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम विद्रवासम कनक कपीशम वैजंतीश्च मालम रंधया वेणुधर सुधया पूर्ण गोप वृंदे वृंदरमणम स्वपदरमणम प्राविशदा गीत कीर्तति। बड़ा सुंदर कन्हैया का रूप है, सिर पे मोर मुकुट धारण कर रखा है। मोर मुकुट क्यों बोलते हैं, जब आकाश में मेघ आते हैं ना तो मयूर अपने आप नृत्य करते हैं। आप मोर को पैसा फेंको, लो तेरे सामने 10,000 फेंकता हूं, नाच के दिखा, नाचेगा? उसको खाने के दो तब भी नाचेगा नहीं। आकाश में मेघ देखता है तो नृत्य करता है। लेकिन कृष्ण का रूप कैसे बताया, बोलते जैसे नव जलधर मेघ होते हैं, काले काले मेघ वो आकाश में होते हैं, लेकिन कृष्ण का रूप कैसा, वो मेघ भूमि पर चल रहे हैं। अथा श्री कृष्ण, उन मेघ के समान श्री कृष्ण के रूप को देखकर मयूर नृत्य करने लगे, और एक दो नहीं हजारों मयूर आकर नृत्य करें। और मयूर विचार करें, हमारे जो पंख हैं वो बड़े सुंदर हैं, और अपनी सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सबसे बड़ी वस्तु ही भगवान को अर्पण करनी चाहिए। मयूर ने अपने पंखों को गिरा डाला भगवान को अर्पण करने के लिए, अपने प्रेम को प्रदर्शित किया उन पंखों को जो गिराया। भगवान ने कहा, तुमने मेरे लिए उस प्रेम के कारण इसको गिराया, इसको मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। इसलिए वरहा पीड़म अपीड़म, अपने मस्तक पर धारण किया मोर पंख को। ये मोर पंख भगवान सिर्फ ब्रज में ही पहनते हैं। मथुरा में द्वारका में जब जाते हैं तो मोर पंख नहीं होता वहां पर, एकमात्र ब्रज। यहां से जाओ वृंदावन, कहां से आरंभ होता है ब्रज, कौन सी ब्रज की सीमा है जानते हैं? एक गांव आता है वंचारी, वहां से ब्रज की सीमा, उसके आगे फिर ये कोसल होडल, ये सारा ब्रज मंडल है। वहां पर शेरगढ़, बैठान, ये सारे स्थान, वहां पर एक एक स्थान पर एक एक लीला हुई है। कोसी में क्या लीला हुई है जानते हैं? कोसी का मतलब क्या हुआ, आता है ना कोसी रास्ते में, हमेशा यही होता है कि श्री कृष्ण आते हैं और राधा जी, इसको कहते हैं मान, मान करना। राधा जी मान करती हैं, उसमें क्या होता है, भीतर में कोई द्वेष नहीं होता, प्रेम के कारण। राधा जी कुंज में बैठी, श्री कृष्ण आए और आकर बोलने लगे, शब्द करने लगे, तो राधा जी ने पीछे से पूछा, कोसी कोसी, कोसी मतलब कौन है कौन है। कृष्ण कहने लगे, हरि, मैं हरि हूं, दरवाजा खोलो, मैं हरि हूं। हरि का मतलब क्या जानते हैं, भगवान का नाम हरि है ना, हरि का मतलब जो हरण करता है। भगवान क्या हरण करते हैं, बोलते हैं अनेक जन्म चित पाप चोरम, जन्म जन्म के पापों को हरण कर लेते हैं। इसलिए जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे जब ये महामंत्र का जप करते हैं तो जन्म जन्म के पाप
भगवान हरण करते हैं। कहा नामनो यस्य यावति पाप निहारण हरणे ताव शक्ति न कृतोति पातकम पातकी जनः। एक पापी व्यक्ति के अंदर इतनी पाप करने की क्षमता ही नहीं है जितना एक नाम उस पाप को क्षमा करने वाला है। भगवान हरण करते हैं, जन्म जन्म के पापों को हरण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है हरि। लेकिन ये संस्कृत है ना, संस्कृत में एक शब्द के बड़े अर्थ होते हैं। हरि का अर्थ बंदर भी होता है जो हरण करता है, और शेर को भी हरि बोलते हैं। तो राधा जी ने पूछा कोसी कोसी, कौन है कौन है? भगवान कहने लगे हरि हरि। राधा जी ने कहा यदि तुम हरि हो तो जाओ, हमको शेर से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, जाओ। फिर राधा जी पूछने लगी कोसी कोसी, कौन है कौन है? कृष्ण कहने लगे मधुसूदन। मधुसूदन नाम है ना, मधुसूदन किसको बोलते हैं? भंवरे को। मधुसूदन पुष्पों पर बैठता है और उसकी मधु को, मकरंद को सूदन मतलब ग्रहण करता है, भंवरा। कृष्ण कहने लगे मधुसूदन। राधा जी ने कहा हमको भंवरों से कोई मतलब नहीं, जाओ यहां से। एक एक शब्द कृष्ण अपना नाम ले रहे हैं और राधा जी उनको भगा रही हैं, जाओ जाओ जाओ। तब से उस स्थान का नाम ही पड़ गया कोसी, कौन है। ऐसे ब्रज में बहुत से स्थान, जितने गांव उनके नाम ही, वहां पर कोई लीला हुई है इसलिए नाम। जैसे डीग है, डीग है ना, वहां पर डीग हाँकते हैं भगवान, इसलिए स्थान ही डीग हो गया। गोवर्धन, गो मतलब, कल गोवर्धन की लीला होगी, कल सुनाऊंगा। गो का मतलब इंद्रियां, गो का मतलब गैया, गो का मतलब गोप और गो का मतलब गोपियां। उसके आनंद को जो वर्धन करते हैं वह गोवर्धन। वहां पर चकलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इसलिए ऐसे एक एक स्थान के नाम उस लीला के अनुसार है। नंदगांव, बरसाना, गोकुल इत्यादि। तो इसलिए जो कृष्ण जन्म जन्म के पापों को हरण कर लें वे हैं श्री हरि। और हमारे कितने जन्म हुए उसकी कोई गिनती है नहीं। इसलिए जो प्रेम से भगवान को अर्पण करें, मयूरों ने अपने पंखों को अर्पण किया, भगवान ने मस्तक पर धारण किया, वरहा पीणम नटवर वप्यो। शिव जी का एक नाम क्या है? नटराज। नट मतलब नित्य करने वाले, राज मतलब नित्य करने वालों में राजा। और कृष्ण का नाम क्या बताया, इस रूप का जो वर्णन आया बोलते नटवर। एक भजन है नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। अभी गा नहीं रहा, कथा पूरी हो जाए। नटवर, एक नटराज है एक नटवर है। नटों में भी सबसे श्रेष्ठ जो कृष्ण रास करें, 100 करोड़ गोपियों के साथ रास करें, वो मैं बतलाऊंगा गोपियां कौन साथ नहीं, एक ही धारण करेंगे। वो क्या मतलब? अब बात ये है, बड़े भाई बलराम जी के साथ गैया को लेकर जाते हैं और खिड़कियों से गोपियां भगवान के रूप को निहारती हैं। अब आज कहां मिलना है कैसे पता लगे? इस कान में यदि पुष्प डाला इसका मतलब इधर आ जाना, इस डायरेक्शन में। यदि इधर धारण करें तो इधर आ जाना। इस प्रकार से इंगित देते हैं। मोर पंख धारण करते हैं, वो देखो कभी मोर पंख इधर झुका हुआ होता है, कभी उधर झुका हुआ होता है। अधिकांश रूप में राधा जी की ओर झुका रहता है, इसलिए कृष्ण राधा जी के अधीन है। किस वस्तु के अधीन है? राधा जी के प्रेम के अधीन है। वो प्रेम कैसा? बोलते ऐसा प्रेम जहां पर किसी प्रकार की अपने स्वार्थ की इच्छा नहीं, अपने
कृष्ण को प्रसन्न करने की सर्वांग इच्छा है। इसी प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए एक बार भगवान ने एक लीला रची। बोलते नारद मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा मैं वैद्य लेकर आता हूँ। बोलते नारद वैद्य से होगा नहीं तो फिर कैसे होगा। बोलते कोई एक शुद्ध देना। बोलते क्यों। बोलते भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उनके सिर पे लेप लगाना है। नारद पागल हो गए हो। अरे कृष्ण भगवान हैं, हम चरण धूल भगवान के मस्तक पर कैसे दे सकते हैं। भागो यहां से। शिव जी के पास आए, शिव जी ने तो कान ही बंद कर लिए। क्या बोल रहे हो नारद। रानियों के पास गए, कितनी रानियां हैं, 16108 रानियां। भगवान उनके पास गए, नारद जी उनके पास गए, आपके पति कृष्ण के मस्तक में दर्द हो रहा है, चरण धूल चाहिए। कह रहे नारद जी क्या बोल रहे हो, हम पत्नियां अपनी चरण धूल पति के मस्तक पर देंगी। नहीं नहीं चलो यहां से। नारद जी सारा संसार घूम कर आ गए। भगवान ने कहा नारद मिला, चरण धूल मिली, मेरे सिर का दर्द बढ़ता जा रहा है। बोलते प्रभु कोई भी आपके लिए चरण धूल नहीं देना चाहता। भगवान ने कहा कोई हमसे प्रेम नहीं करता। बोलते नहीं आपका आदर सब करते हैं। बोलते मैंने तो आदर की बात नहीं कही, मैंने तो प्रेम की बात कही। एक होता है पूजा करना और एक होता है प्रेम करना। संतुष्ट नहीं रहते, प्रेम में भगवान संतुष्ट रहते हैं। पूजा का मतलब भय के कारण, हाँ पूजा करनी ही पड़ेगी नहीं तो पाप लगेगा, इस भय के कारण यदि सेवा की जाए, इसको बोलते हैं गॉड फेयरिंग। भगवान से डर कर कि नहीं करने से ये होगा वो होगा। एक होता है वहां में बच्चों का लालन पालन करती हैं, वो गोपियां क्या जानती हैं। कृष्ण कहने के नारद जरा एक बार जाओ तो। नारद जी गए, गोपियों से कहा गोपियों श्री कृष्ण के मस्तक में दर्द हो रहा है। सुनते तो कितनी तो बेहोश हो पड़ी सुनने मात्र से ही। तो नारद हमारे पास क्यों आए हो, वैद्य को लाओ। नहीं चरण धूल चाहिए, चरण धूल चाहिए। तो फिर देखते क्या हो, लो ट्रक के ट्रक भर के ले जाओ, अपने चरणों से उड़ाने लगी। नारद जी हंसने लगे, जानती नहीं है कुछ भी। आकाशवाणी हुई गोपियों कृष्ण तुम्हारे प्रियतम ही नहीं भगवान है, भगवान घोषणा कर दे कि गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा, जहां पर पत्नियां रुक्मणी सत्यभामा भी भयभीत हो जाएं और अपनी चरण धूल ना दे पाए भय के कारण, लेकिन गोपियों का प्रेम उस भय से भी बहुत ऊंचा प्रेम है, जिस प्रेम के आगे स्वयं भगवान अपने मस्तक को झुकाते हैं और राधा जी के चरण की सेवा करते हैं। कहां पर, वृंदावन में सेवा कुंज में। अभी हम लोग जाएंगे दिखाऊंगा। श्री कृष्ण राधा जी के चरणों को पलोटते हैं, सेवा करते हैं, ये सेवा कुंज है। इसलिए भगवान के रूप का वर्णन आया कर्ण्यो कर्णिक आरम, एक कान में पुष्प धारण करते हैं और ये इंगित होता है क्यों, साथ में बड़े भाई चल रहे हैं ना बलराम, उनके सामने कैसे बोले। बोलते इस दिशा में आ जाना, इस दिशा में आ जाना। एक बार एक नई नवेली ब्याह करके आई, आते ही सास से पूछने लगी माता आपके घर के नियम कानून हमको पता नहीं, यदि कुछ हो तो बताइए। माता ने कहा, सास ने कहा अरे बेटी सब कुछ ठीक है लेकिन सुबह और संध्या के समय में बैठ जाओ, बीच में क्यों खड़े होते हो, बैठ जाओ, जब कीर्तन हो तो जो मर्जी करो। बोलते सुबह और संध्या के समय में बाहर मत देखना, बस यही हमारे घर का नियम है।
अब पहले बोल दिया मत देखना तो उतावलापन आ जाता है, ऐसा क्या है बाहर। और बहू स्वयं देख रही है कि सास खिड़की खोल खोल के कुछ देखती है, क्या देखती है। एक दिन तो रहा नहीं गया, खिड़की खोलकर हल्का सा देखा, सामने श्याम सुंदर को आता हुआ देखा। कैसा निराला रूप है, वो रूप जो कभी कम ही ना हो, वो रूप जो हर क्षण बढ़ता जाए। माताओं ने आकर कहा, सारा दिन सजा धजा कर मिठाई रखेगी तो यही होगा, कुछ काम तो करवा इससे। उसको बर्तन दे दिए, ले बर्तन साफ कर। और इसका मन तो अब भगवान में लगा हुआ, एक ही जगह रगड़े जा रही है, रगड़े जा रही है, रगड़े जा रही है, बर्तन ही तोड़ डाला। किसी ने कहा, थोड़ा बाहर जाने दिया कर, खुली हवा में इसका दिमाग ठीक रहेगा। इसको एक घर, किसी का बच्चा, एक गोप तो नाच रहे हैं, नंद जी को भी नाचने की इच्छा हो रही है, परंतु सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे, मेरे घर में बालक हुआ, पुत्र हुआ और मैं ही नाच रहा हूं, संकोच में बैठे हैं। लेकिन मन का भाव तो मुख पर दिखाई देने लगा है। इसलिए गोपो ने कहा, नंद जी आइए, आप ही नृत्य कीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम लोग नाचो, मैं तो देखूंगा। तो एक गोप ने जाकर बड़े भाई उपनंद जी से कह दिया कि नंद जी को नाचने की इच्छा हो रही है, मुख से ही दिख रहा है। अच्छा उसको बोल दो मैं बुला रहा हूँ, बड़ा भाई बुला रहा है। तो कान में जाकर बोला, आपके बड़े भाई बुला रहे हैं। तुरंत उठकर आए, हाँ भैया। बोलते क्या भैया, नाचो। सारे गोपों ने हाथ पकड़ लिया, मन तो नाच ही रहा था, और नृत्य करने लग गए नंद बाबा। और जैसे नंद बाबा नृत्य करने लगे, बड़ा सुंदर दृश्य है, कमर में जो पटका उसके दो छोर होते हैं ना, एक छोर गोकुल के गोपों ने पकड़ लिया और एक छोर रावण के गोपों ने पकड़ लिया, और नंद बाबा का मंथन करने लगे। खूब नाच रहे हैं, बधाइयां हो रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, संगीत हो रहा है। और ऐसे अवसर पाकर एक गोप एक कलसी लेकर आ गया जिसमें दूध था। नंद बाबा के सिर पर दूध डालकर कहा, बाबा दूधो नाव और पूतो फलो। बड़ा सुंदर पूत हुआ, ऐसी आनंद की लहर पूरे गोकुल में, क्योंकि नंद के घर क्या भयो, हाँ पुत्र नहीं, साक्षात आनंद ने ही जन्म लिया है, साक्षात आनंद ने ही जन्म लिया है। ये गोकुल का नंद उत्सव सबसे प्रसिद्ध, जहां पर देवता भी अपने अपने वाद्यों को लेकर आ जाएं, और देखें कितना सुंदर उत्सव मनाया गया। अभी हम लोग सुनते हैं भजन, नंद के घर आनंद भयो। हाँ नंद द्वारे पे, अच्छा कोई वो नंद के लाला की सुंदर विहलाए की हो, डट वरनागन नंदा भजन मन गोविंदा। लाला का जन्म हुआ कल, चलो कल तो बहुत भीड़ थी, कोई कोई नहीं तो ठीक से कर नहीं पाया। ये भी आज तो बधाई है नंद बाबा के द्वारे, तो शर्म किस बात की, मैं जन्मदिन होता है बच्चे का, तो नृत्य करके माता हूँ, तो श्री ठाकुर जी के सामने किस बात की शर्म। अरे घरों के नृत्य के लिए Yeah!
करते हैं करना पड़ रही है, सब प्रेम करते हैं, कौन कौन करता है तो खड़े हो मीरा भाई कितने बड़े घर की राजधानी थी, कौन थी, रानी थी, किंतु शर्म करी नहीं, क्योंकि किसके लिए नृत्य किया, किसके लिए नाम किया, भगवान के लिए, छोटे मोटे व्यक्ति के नहीं, स्वयं पसंद के गॉड है, कृष्णा कौन है, कौन है, ईश्वरा परमा कृष्णा, ईश्वरों में भी जो ईश्वर है, कृष्ण के लिए नृत्य कर रहे हैं, जब नृत्य नहीं करेगा हम जब ताली तो बजा लो, ताली तो बजा लो प्रेम से।